दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम फिर चले आए हैं हिंदी चैप्टर 12 का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इस बार भी संभावना है कि 2025 में 30 में 30 सारा प्रश्न रहेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं लेखक परिचय की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा लेखक के बारे में जानते हैं कि इनके लेखक कौन है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये जो बातचीत पहला चैप्टर का, पर इसका नाम क्या है दोस्तों, बातचीत। इनके जो इनके लेखक कौन है दोस्तों, इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक, इनके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो इनका जो जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 23 जून 1844 को हुआ था दोस्तों इनका जन्म, 1844। इनका जो निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था दोस्तों। इनका निवास स्थान क्या दोस्तों, तो इलाहाबाद। कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता दोस्तों इलाहाबाद। ठीक, अब इनके कई सारे रचनाएं भी थे दोस्तों, तो आइए का दो को रचना के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोनों कहीं इनके जो रचनाएं थे, वह था नूतन ब्रह्मचारी। ठीक, न्यूतम ब्रह्मचारी। ठीक, और दूसरा था सौ अजान एक सुजान। क्या देखते हो दोस्तों, एक अजान और एक सुजान। ठीक, तो दोस्तों लेखक परिचय के बारे में बस इतना ही काफ़ी है। और चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, आइए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम उदाहरण लिए थे जो इनके जो रचनाएं थे, क्या है, सौ अनाज, ठीक, एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो दोस्तों इनका जो कौन है, इनके उपन्यासकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। ये रहा दूसरा प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में किसे कहा जाते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट के। ठीक, तीसरा प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। ये रहा तीसरा प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है दोस्तों। तो दोस्तों इन बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो क्या है, बातचीत है दोस्तों। ठीक, चौथवा प्रश्न दोस्तों, इसमें बोला बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों बातचीत के जो जरिए होता है भाप बनकर मवाद या धुआं निकल जाता है। ठीक, मवाद या धुआं बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक, इसमें बोल पांचवा प्रश्न में बोला दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम है। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की जो माता का नाम था वो पार्वती देवी थी। ठीक, पार्वती देवी। ठीक, चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यह आपका छठा प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो दोस्तों लेखक के जो बालकृष्ण भट्ट के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था दोस्तों, तो उर्वर था। कैसा था दोस्तों, तो उर्वर था। ठीक, अरे सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यार सातवां प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, ठीक दोस्तों, तो वह भाप बनकर निकल जाता है कैसे। तो दोस्तों बातचीत के जरिए निकल जाता है मवाद या धुआं। ठीक, चलिए आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आपका आठवां प्रश्न, इसमें बोला जैसा काम वैसा
परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रसहन की जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक, चलिए आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बोलने मिस्टेक हो गया, तो आठवां नहीं नौवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यह रहा आपका नौवां प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था वो क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। ठीक दोस्तों, चलिए दसवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दसवां प्रश्न बोल रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा लेखक की रचना? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के लेखक की रचना है दमयंती स्वयंवर। ठीक दोस्तों, ग्यारहवां प्रश्न बोल रहा बालकृष्ण, सॉरी दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो दोस्तों देखिए, एक आपको ठीक बता रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट बात करते करते क्या हो जाते थे दोस्तों? तो लाल हो जाते थे। तो ये क्या दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट बात करते करते, यानी कि बालकृष्ण भट्ट किस के, सॉरी दोस्तों बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक, अब यह क्या, तो क्या हो जाते थे? तो लाल हो जाते थे, यानी कि ललित निबंध है दोस्तों। ठीक, बालकृष्ण भट्ट बात करते करते क्या हो जाते थे? तो लाल हो जाते थे, यानी ये बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट और ललित निबंध है। ठीक, ये तो दोस्तों चलिए बारहवां प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये रहा बारहवां प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो दोस्तों भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ठीक, चलिए तेरहवां प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों तेरहवां प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? दोस्तों मनुष्य की जो बात करने का जो उत्तम तरीका हुआ, तो वो होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक दोस्तों, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा चौदहवां प्रश्न बहुत ज़्यादा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या? देखिए, अगर जो आप संवाद लिख रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या दोस्तों? तो आत्मीयता है। क्या दोस्तों? आत्मीयता। ठीक, चलिए पंद्रहवां प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो आपको बताए थे 23 जून 1844 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, चलिए सोलहवां प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। यार आपका सोलहवां प्रश्न से बोला जा रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट की। और न्यूनतम ब्रह्मचारी क्या? इन्हीं का रचना है न्यूनतम ब्रह्मचारी, और सवनाद एक सुजान इन्हीं का रचना है। ठीक, चलिए सत्रहवां प्रश्न को जो क्यों चलते हैं दोस्तों। यार आपका सत्रहवां प्रश्न, इसमें बोल रहा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चलाता है? तो दोस्तों दोस्त हम सहेलियों के बीच उमड़ा चलाता है। ठीक, चलिए अठारहवां प्रश्न को चलते दोस्तों। यार आपका अठारहवां प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो दोस्तों जो वाद विवाद संवाद क्या है दोस्तों, तो ये जो वाद विवाद संवाद है वो एक आलोचक निबंधों की पुस्तक है दोस्तों। ठीक, चलिए उन्नीसवां प्रश्न क्यों चलते दोस्तों, इसमें बोला बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो वो एक हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका को निकाले थे बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बीसवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बीसवां प्रश्न ये रहा, इसमें बोला जा रहा है बातचीत किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये जो बातचीत जो है वो निबंध विधा की रचना है। ठीक, तो ये क्या है? निबंध है। इनके लेखक कौन है दोस्तों बातचीत के? तो बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक, चलिए अठारह प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें बोल सॉरी दोस्तों इक्कीसवां प्रश्न को चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि रवि सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे? तो एडिशन के मुख से एक बात सुने थे दोस्तों 16 वर्ष के उपरांत। ठीक, चलिए बाईसवां प्रश्न को चलते दोस्तों। इसमें बोल रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक, चलिए तेईसवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें ये रहा आपका तेईसवां प्रश्न। ठीक दोस्तों, ये रहा तेईसवां प्रश्न।
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो दोस्तों बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट थे वो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए बाईस चलिए छब्बीसवां प्रश्न को चलो दोस्तों। इसमें बोल रहा भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनके एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। ठीक, चलिए पच्चीसवां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका पच्चीसवां प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। दोस्तों तो अभी हम लेखक परिचय के जब बता रहे थे तो उसने बताया कि जो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था वो इलाहाबाद कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में था। ठीक दोस्तों, आई 26वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। तो बालकृष्ण भट्ट 27वां प्रश्न बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम मासिक पत्रिका कब निकाले थे। तो दोस्तों 1877 में मासिक पत्रिका ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका को निकाले थे। ठीक दोस्तों, चलिए 28वां प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका 28वां प्रश्न। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो वह क्या थे दोस्तों, तो व्यापारी थे। क्या थे दोस्तों, तो वह व्यापारी थे। इसमें बोला जा रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो सब अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा उपन्यास क्या है रचा हुआ। तो दोस्तों 30वां प्रश्न बोल रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट में। तो दोस्तों जो है नांदी पाठ कहा जाता है। सॉरी दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, नांदी पाठ कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगला बार फिर से हम दूसरा चैप्टर कर लाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।